हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए। मैं बात कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइजर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार का फूड होता है जो कि हम अपनी स्किन को देते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम अपनी स्किन को फूड देना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा देना चाहेंगे, राइट? तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आज बात कर रही हूँ वो है न्यूट्राजेन का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइजर। ये वाटर जेल मॉइस्चराइजर है जो कि स्पेशली आइली टू कम्युनिकेशन वाले स्किन के लिए काफी ज्यादा ये अच्छा होता है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा आइली होती है। तो जब इसे आप अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा आपको आइली वाली स्किन और स्टकी सा फील नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं कि ये लाइट ब्लू और सिल्वर कलर के कार्डबोर्ड के बॉक्स में ऐसे पैक होके आता है और इसपे सारे इनके मैन्युफैक्चर दिए हुए हैं कि कैसे आपको यूज करना है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ठीक है? तो ये जो है सिर्फ 15 ग्राम का है और इसकी प्राइस है 450 और इसका 50 ग्राम का आता है 850 में, ठीक है? तो ये जो आपको बहुत इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मिल जाता है। और मुझे स्पेशली न्यूट्राजेन का सनस्क्रीन ज्यादा पसंद है, ठीक है? तो मैं अधिकांशतः उसे ही परचेस करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम इसे लिया था और सिर्फ इसे मैंने सिर्फ हाइलोरिक एसिड और वाटर जेल के नाम पे ही इसे परचेस किया है, क्योंकि आजकल मुझे जेल वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं और मैं एक के बाद एक परचेस करते जा रही हूँ सारे जेल वाले प्रोडक्ट को अप्लाई करके, ठीक है? और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 इयर्स। अगर आप बात करें इसके इंग्रेडिएंट का, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है हाइलोरिक एसिड है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हाइलोरिक एसिड हम सबको पता है कि हमारे स्किन को डीपली बूस्ट करने में काम करता है। स्किन बिल्कुल प्लम्पी सी फील होती है और सबसे प्लस पॉइंट इसके ये होता है कि एंटी एजिंग का काम करता है। जब ऐसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो फाइन लाइन्स रिंकल्स भी नहीं आते, क्योंकि ये इतना ज्यादा जेली होता है आपकी स्किन के अंदर डीपली अब्जॉर्ब हो जाता है। काफी लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन को ये हाइड्रेट रखता है और ये क्लेम भी करते हैं कि 48 आवर तक आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज रखेंगे। जब मैंने इसे अप्लाई किया तो 48 आवर तक मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, ठीक है? और भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है ओलिव एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरीन भी इसके अंदर है, जो कि हमारी स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ रखती है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है। तो अब बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर से क्यूट सा आपको ग्लास का जार मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं ये भी लाइट ब्लू में है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली भी है। आप इसे इजीली तरीके से कहीं ले जा भी सकते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आएगी। और ये ओपन करने में कुछ इस प्रकार से दिखता है, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में भी इसका जो है क्रीम है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा माइल्ड है। इसे अप्लाई कैसे करना है कि बस आपको थोड़े बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है और आप जो है इसे अपने जब फेस पे अप्लाई करेंगे तो आप फील करेंगे कि बहुत ही इंस्टेंट आपके स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को काफी सॉफ्ट प्लम्प भी बना के रखता है और बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने बहुत ही हैवी कोई क्रीम अप्लाई कर लिया है जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा से ग्रीसी या स्टकी फील हो रही हो, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। इससे आपकी स्किन काफी लॉन्ग टाइम तक मुस्कुराई रहती है और काफी प्लम्प भी लगती है और हल्का हल्का सा जो है आपके फेस पे ग्लो भी आ जाता है। तो मुझे ये स्पेशली अच्छा लगा, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी कॉस्टली लगी। वाटर जेल की मॉइस्चराइजर थोड़ा सा कॉस्टली आता ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा अगर बात करें अदर मॉइस्चराइजर का, तो क्योंकि जब हम मॉइस्चराइजर लेते हैं और जब बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है उसमें कि हमने जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया ही है तो जो है हमें अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिले। वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारे फेस के जो दाग धब्बे हैं उनको लाइट करने में हेल्प करे, स्किन को ब्राइट करे, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे स्किन को ब्राइट बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ, आपकी जो स्किन टोन है उसको थोड़ा सा ये जैसा जो ये निखारने में जरूर हेल्प करता है। आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लोई रहेगी और काफी लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइज भी रहेगी। ये क्लेम करते हैं कि 48 आवर तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि 48 आवर तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। और स्पेशली हम अपने स्किन को 48 आवर तक छोड़ते भी नहीं है, हम कई बार तो अपने फेस वॉश कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आप इससे जो है बहुत ज्यादा एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत करें। ये बस आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और हेलोरिक एसिड जो अपना काम करता रहेगा, कहीं ना कहीं जो है हमारे फेस पे जो घाव होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे अप्लाई कर लोगे तो आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे या फिर आपके फेस से दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है?
इज अ मॉइस्चराइजर, आप इसे परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन है उसको भी आप एक बार जरूर बजा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।